सावी की सवारी, यहाँ पर सावी की बहन सोनम की मेहंदी की रस्म हो रही है ना। ऑल इज वेल, देखिए बहन की शादी है, मेहंदी रचाई जा रही है, लेकिन क्या करें, ये टेलीविजन में बहनों का रिश्ता जो बिगाड़ा है ना, आई टेल यू कोई चाहकर भी इनको सवार नहीं सकता। तो हालांकि शादी होने जा रही है सोनम की, मेहंदी की रस्म भी उसकी है, लेकिन क्योंकि सावी ने भी हाथ में मेहंदी लगा ली है, तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया है कि रंग किसकी मेहंदी ज्यादा लाएगी। कि जितना तुम ढोल बजाती हो रक्षम से उतना प्यार ही नहीं करती। मेहंदी एक लगाने वाली, एक पीसने वाली, एक फिर सावी और नित्यम की मेहंदी का रंग इतना काला और तुम्हारा रक्षम की मेहंदी का रंग इतना फीका। हाँ, अरे तुम दोनों को तो इनसे प्यार में सीखना होगा। तुमने ये सब जानबूझ कर किया है। क्या मिल गया तुझे सावी, क्या मिल गया चीख मजाक करके? सावी की बहन की मेहंदी हो और उस मेहंदी में हाई ड्रामा ना हो तो भला मेहंदी की तरह ड्रामे का भी रंग फीका हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये ड्रामा देखने हम भी चलते हैं आपके साथ। अब सावी ने बुआ दादी की हुक्म से बड़े ही प्यार से अपनी बहन के लिए मेहंदी पीसी है। वही मेहंदी सावी ने भी लगाई और नित्यम ने भी, और उसके बाद रक्षम और सोनम ने भी। लेकिन ये क्या, सोनम के हाथों में तो मेहंदी का रंग चढ़ा ही नहीं। इस पर सोनम भड़क गई और फिर सावी को ही जिम्मेदार ठहराने लग गई। सब समझ, तूने ये सब जानबूझकर किया है। क्या मिल गया तुझे सावी, क्या मिल गया चीख मजाक करके? ये वाला बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मतलब 4 घंटे मेहंदी सुखाने के बाद भी मेहंदी का रंग चढ़ा ही नहीं। अब बुआ दादी की तो सावी फेवरेट बहू है ना, तो ऐसे में भला बुआ कैसे पीछे हटती। फिर सुना दिया सोनम को उन्होंने कि मेहंदी तो एक ही है, तो जब सावी के हाथ में रंग आया है तो तुम्हारे हाथ में कैसे नहीं आया है? मेहंदी एक लगाने वाली, एक पीसने वाली, एक फिर सावी और नित्यम की मेहंदी का रंग इतना काला और तुम्हारा रक्षम की मेहंदी का रंग इतना फीका। हाँ, अरे तुम दोनों को तो इनसे प्यार में सीखना होगा। बस बुआ दादी जी, आपको क्या लग रहा है कि नित्यम और सावी का प्यार बहुत गहरा है? सावी और नित्यम का रिश्ता बहुत ही गहरा है, तभी तो मेहंदी का रंग भी गहरा हुआ है। और रक्षम और तुम्हारे बीच ये प्यार का रिश्ता लगता है गहरा नहीं है। अब दादी की ये बात चुभ गई सोनम को, उसके बाद तो वो कुछ बोलने लायक रही ही नहीं। कोई तो है जो सोनम को बहुत प्यार करता है। देखो जरा, मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं रंग चढ़े, फिर भी चढ़ गया। अब आप पूछो कौन है वो, कौन है वो? नहीं यार, बस कर दो, बस किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ मैं, इन सब पे जासूसी करती रहूँ और मुझे पता चलते रहे कि शादी में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और मेन मोटिव तो यही है डिम्पिका की, नित्यम डालमिया को उसको नुकसान पहुंचाना है, और नित्यम के साथ साथ अब तो सावी भी उसकी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई है। अब उसके बाद जब संगीत की बात आई तो देखिए वहां पर भी सोनम कैसे कर रही है। उसकी संगीत भजन संध्या में तब्दील हो गई। हनी सिंह के जमाने में आपको क्या लगता है कि सोनम यहाँ पे भजन सुनने के लिए बैठी है? सोनम को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो लग रही है कि कहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, क्या भजन सुन रही हूँ मैं, मामी को बीच बीच में बोल रही नींद आ रही। सावी इतने प्यार से गा रही है, बुआ दादी को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन सोनम उसे तो नींद आ रही है। चिक डिक चिक चाहिए सोनम को, इतना मतलब यौन किया ना भजन में कि पूछो मत। कहाँ बड़े बड़े सपने लेकर बड़े घर की बहू बनने वाली है उसे, कुछ दिन तक तो अभी ये छोटे घर का ड्रामा बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। वैसे डिम्पी ने भी पूरी तैयारी कर ली है यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।